दोस्तों स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 9:30 हो रहा है और अभी मैं सीतामढ़ी के लिए चल दिया हूँ। थोड़ा सा मेल खत्म हो गया है, छोटा आइटम सब है, खाली कुर्ती उर्ती सब खत्म हो गया है, तो चलते हैं लेकर आते हैं दोस्तों। और आज का मौसम भी देख सकते हैं सुहाना है, हवा चल रहा है, ठंडा मौसम है, चलते हैं दोस्तों। 9 बजे से घर चला हूँ तो अभी 9:30 हो रहा है तो सीतामढ़ी पहुँचने ही वाला हूँ। चलते हैं दुकान में और जो जो आइटम सब लेना है वो सब लेंगे। आज 2-3 दुकान में माल लेना है, फिलहाल चलते हैं दोस्तों सीतामढ़ी मिलते हैं। तो अभी सीतामढ़ी मार्केट में आकर के अभी सामान ले लिया, देख सकते हैं थोड़ा सा लिया हूँ, 2200 का सामान है, खाली पैर टूटा। और दोस्तों अभी बारिश होने लगा है, देख सकते हैं, तो माल तो इधर ले लिया, थोड़ा सा लेना है और कुर्ती उर्ती तो लेंगे, अभी बारिश से बारिश छूटता है तो चलेंगे। तो अभी 12:30 हो रहा है अभी और अभी मैं माल लेकर के अभी चल रहा हूँ। टोटल माल दोस्तों आज लिया है 7735 का, 7,500 का, तो क्या क्या है टोटल माल चल के दिखाते हैं घर पे। और दोस्तों आज कुर्ती उर्ती ज़्यादा करके लिया हूँ, कुर्ती हाफ पैंट यही सब लिया हूँ, क्या क्या है चलते हैं दिखाएँगे। तो दोस्तों मिलते हैं घर पर। हेलो दोस्तों, भी आ गया घर, टाइम दोस्तों 2 बज रहा है अभी और आकर के माल उतार लिया हूँ। दोस्तों यही माल है, देख सकते हैं 7,750 का माल है दोस्तों। और एक और सामान लाया हूँ जो कि इधर देख सकते हैं, ये कैरेट में, ये ढकने के लिए जो है ना इस पानी का यूज करता था तो हवा पे जो है ना ये उधी आ जाता था, उड़ जाता था। अभी ये ले लिया हूँ, गोला वाला है तो इसको जो है ना 80 रुपये मीटर दिया है तो 100 रुपये का पॉइंट लिया, 2 मीटर लिया है। और एक आगे गमछा झकने के लिए लिया तो 100 रुपया में हुआ, 130 हुआ तो 100 रुपये दिए हैं। तो अभी दोस्तों पूरा हो गया 4 ओवर से, अब हवा आएगा, हवा रहेगा, बारिश रहेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 12 पानी लिया हूँ, पूरी तरह से ना अच्छे से ढका गया तो अब सही हो गया, अब बारिश के लिए, बारिश से बचने के लिए अब अच्छा हो गया। गोला वाला है इसको ऊपर से ऐसे बांध लिया, देख सकते हैं, और ये पूरा एक ये छोटा वाला लिया तो अच्छा हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी सारे माल इसमें जो है दिखाते हैं, 7,750 का क्या क्या माल है। दोस्तों ये बोरा को खोलते हैं और निकालते हैं और फिर दिखाते हैं आज क्या क्या लाया हूँ। आज है ना, आज मोटा मोटा आइटम है, छोटा छोटा आइटम नहीं लिया, तो 7,750 का माल इतना हुआ है। और छोटा छोटा आइटम रहता तो 1.5 बोरा होता इतना में। तो इसमें जो है ना ओढ़नी है, दिखाते हैं 10 पीस ओढ़नी दिया, उसकी फोन में रहते हैं प्रिंट वाला में 10 पीस ओढ़नी है, इसमें 10 कलर। ये वाला मीडियम वाला प्लाजो है, आए हाँ ले जाओ, छिपा हुआ सोरा पर ले जाओ, हाँ। और एक प्लाजो है मीडियम वाला, लाइलून में भी लिया हमसे, आज दूसरे दुकान में लिया हूँ ना, कॉलर देख सकते हैं कितना अच्छा है, ये लहंगी है सियान वाला सारे कलर का। और ये कुर्ती सब है अलग अलग डिजाइन में, सब ये डिजाइन कभी नहीं लाया था, फर्स्ट टाइम लाया हूँ वाला डे, इसमें 5 कलर का है। ये भी दोस्तों अलग डिजाइन है, आइए तो जो लगा था उसी में का है ये। एक कैप्री है, लैरिंग में का कैप्री है हाफ वाला, ये 90 है चैन वाला में, देख सकते हैं। कुर्ती है 100 रुपये और ये 90 सब है लालून में। पांच पीस लिया हूँ 90। और ये हाथी प्लाजो 5 पीस 4 कलर का। और ये ब्लूमर 2 पीस लाया हूँ, उसके पास था बहुत था लेकिन वो दिया नहीं है, बोल रहा था कि सब मेल लेने के लिए, हमको तो 0 साइज का ही लेना था,
तो बोल रहा था जीरो साइज नहीं देंगे, फिर भी दो पीस जबरदस्ती लिए हैं। उसका कहना है कि सब साइज में से लो, तो मुझे तो खाली ये पीस मतलब छोटा वाला साइज कम ही था, इसलिए यही दो ही पीस जबरदस्ती लेना पड़ा है। और उधर दूसरा दुकान में नहीं गए, दूसरा दुकान में जाते तो थोड़े का, पहले वाला दुकान में जाते तो अगर 10 बंडल भी लेना होता ना एक साइज का तो दे देता, लेकिन ये दूसरे दुकान में दिया तो ये वाला नहीं दे रहा था। और ये मुट्ठा वाला लिया 3 साइज का, दो दो दर्जन ऐसा 3 साइज का दो दो दर्जन। लायलून हाफ पैंट है, इसमें इंटरलॉक है, जेबी में पॉकेट में चैन है और मियानी है, सिलाई भी अच्छा है और कम रेट में है, बिकने में जो है ना 30% 35% ऐसे इसमें मार्जिन हो जाता है, बच जाता है। सूती वाला है इसमें भी पॉकेट है, मियानी है, सब कुछ है, ये भी अच्छा सेल होता है। 6 पीस सूती यही कर दिया, उसको इतना ही माल है। तो दोस्तों सारे इतना है, अब चलते हैं सबको सरिया लेते हैं। हालांकि दोस्तों अभी हमने सारे माल को सरिया लिया पूरी तरह से, माल भरपूर हो गया, कुछ आइटम उसमें नहीं हट रहा था, लेकिन फिर भी कपड़ा बना हुआ था उसी के ऊपर फिर बांध लिया तो हो गया, और गमछा भी हो गया है। दोस्तों टाइम अभी 3:30 हो रहा है अभी, तो सजाते सजाते देख सकते हैं पूरी तरह से पसीना पसीना हो गया। चलिए थोड़ा सा इधर पंखा चल रहा है, थोड़ा सा ठंडाते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम 5:30 हो रहा है, और अभी का मौसम देख सकते हैं पूरी तरह से छाया है, लगभग 3 बजे के आसपास में धूप हो गया था, लेकिन अभी मौसम ठंडा है। दोस्तों अभी मैं छत पे हूँ। दोस्तों लक्ष्य जब क्लियर हो जाता है, जब काम करने को जब स्टार्ट कर देते हैं ना, तो बहुत तरह के जो है ना रुकावट आने लगता है, जैसे कि ऐसा फोन आने लगता है रिश्तेदारी दोस्त महीम का कि आपके बिना वो हो ही नहीं सकता है, इस तरह का फोन करने लगता है और रुकावट आने लगता है, लेकिन सबको जो है ना इग्नोर करते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ता है। यही हमारे साथ हो रहा है, जब लक्ष्य क्लियर नहीं था, जब बैठे रहते थे मतलब काम नहीं करते थे, तो कोई नहीं रोक टोक टाक करता था, लेकिन जैसे ही लक्ष्य क्लियर हो गया और गोल्स बना लिए और उस पर काम करने लगे, अच्छा खासा काम होने लगा, तो बहुत सारा रुकावट आता है, आने लगा और आ भी रहा है इस समय भी, तो उस सब को जो है ना इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, मठेरना कह सकते हैं। तो जो बात जो रुकावट आ रहा है उसको मठेरते हुए इग्नोर करते हुए उस बात को अपने लक्ष्य की तरफ गोल्स की तरफ बढ़ते जाना है, तो लक्ष्य कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो अगर कोई रुकावट दे रहा है, उलझन पैदा कर रहा है, कोई मतलब आसपास पड़ोसी हो, दोस्त महीम हो या घर का ही आदमी क्यों ना हो, तो उसको बात को इग्नोर करते हुए पूरी तरह से लक्ष्य बनाकर उस पर फोकस करके उस पर काम कीजिए, और जो भी रुकावट आ रहा है उसको इग्नोर करते हुए काम कीजिए, तो लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाइएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो लक्ष्य बनाया उस पर ज़रूर पहुँचूँगा, क्योंकि मैं इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया हूँ बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारा रुकावट रहता है। आज का इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करेंगे, और कल से फिर स्टार्ट करेंगे फेरी, 4 दिन फेरी करेंगे, 11, 12, 13, 14 4 दिन फेरी करेंगे, फिर 15 तारीख को 5वें दिन पर जाएंगे माल लाने। 4 दिन सोचते हैं काम करने के लिए, लेकिन बीच में ही माल ख़त्म हो जाता है, 2-3 दिन में माल ख़त्म हो जाता है। जैसे कि 3 दिन में सोचा था माल लाने, 3 दिन फेरी करके, लेकिन 2-3 दिन में माल ख़त्म हुआ बहुत सारा, तो फिर 3रे दिन ही जाना पड़ा। अभी मैं सोच रहा हूँ 4 दिन फेरी करूँगा फिर जाऊँगा, देखते हैं 3 दिन में अगर माल ख़त्म हो जाएगा तो 3 दिन बाद ही जाएंगे, नहीं तो 4 दिन में अगर
माल पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे तो जाएंगे। पूरी तरह से तो नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ कर दूंगा, लेकिन जब ही 3-4 आइटम मेल ख़त्म होता है, जो ज़्यादा बिक्री होने वाला है ना, वो जल्दी बिक्री हो जाता है, तो जल्दी ही जाना पड़ जाता है। तो अभी मैं 4 दिन का लक्ष्य बनाया, 4 दिन फेरी करूँगा तो जाऊँगा माल लाने, लेकिन देखते हैं 4 दिन फेरी करते हैं कि 3 दिन फेरी करते हैं, कितना दिन में ख़त्म होता है, माल भरपूर है दोस्तों। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग।